हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो मैंने कहा इस पर रीडिंग बना ही लूँ बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक पे कि आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो देखेंगे क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है, ये भी देखेंगे। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। लेट्स सी, देखेंगे क्या एनर्जी आती है रीडिंग में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना कर सकें। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने में इंटरेस्टेड हैं या कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स एंड स्टे एक्टिव ऑन माई इंस्टा स्टोरीज टू। आप वहाँ पे सपोर्ट करिए, वहाँ पे मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, ताकि वहाँ पे फिर लाइव रीडिंग स्टार्ट करें हम लोग, फ्री रीडिंग्स। ठीक है, चलिए लेट्स सी। पॉजिटिव रहिए और वीडियो में लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, इसका कलेक्टिव एनर्जी यूनिवर्स गाइड करिए। यूनिवर्स रीडिंग को देखते हैं उनको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। Who is manifesting you? Viewers को कौन manifest कर रहा है? Who is manifesting you? First we have Three of Cups. Oh, loved it. The Star. Who is manifesting you? Then we have King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Then we have Seven of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio एनर्जी बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। एक्वेरियस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पर स्टार की एनर्जी है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स एरिस, लियो, सैगिटेरियस एनर्जी। ये जो भी इंसान है, इस पर्सन की एज 38, 37 हो सकती है। 717 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 17 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज 387 काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे नंबर दिख रहे हैं। सो ये जो भी इंसान है गाइज जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम, दिस इज़ द पर्सन जो आपका फ्रेंड है, या तो इस इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अदरवाइज़ ये वो आपका फ्रेंड है जो आपके फ्रेंड सर्कल में से है इस टाइम। या ये जो भी इंसान है ये मैनिफेस्ट आपको कर रहा है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर अट्रैक्टेड है। दैट्स व्हाई काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। या और ये पर्सन मैनिफेस्ट तो आपको कर ही रहा है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपको डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करता है। मैनिफेस्टेशन के साथ साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, आपको विजुअलाइज कर रहा है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन की विश बहुत आप लोगों को लेकर स्ट्रॉन्ग है। यू गाइज आर लाइक विश कम ट्रू फॉर दिस पर्सन एंड ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये इस टाइम ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स भी देख रहा है, या तो ड्रीम्स खुद देख रहा है, हो सकता है आप भी इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो। बिकॉज ये जो भी इंसान है ये आपका फ्रेंडशिप इसके साथ है या फिर ये आपके किसी फ्रेंड सर्कल में से है। दिस इज़ द पर्सन इज फ्रॉम योर कम्युनिटी। या ये इंसान आपकी कम्युनिटी में से है और कुछ लोग हो सकता है ये पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई करियर है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। बिकॉज डेफिनेटली वो चाहते हैं कि उनका आपके साथ कोलैबोरेशन आगे जाके और ज़्यादा हो। वो बिल्कुल भी लाइक आपके साथ काम ख़त्म नहीं करना चाहते, एक मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा इसकी विश फुलफिल थिंकिंग हो आप लोग, ये इसकी विश कम ट्रू होगा इस। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली विद द सेवन ऑफ कप्स एंड द स्टार, दिस पर्सन इज स्ट्रॉन्गली डे ड्रीमिंग अबाउट यू। मैनिफेस्टेशन तकनीक के साथ साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है आप लोगों के साथ। किसी ना किसी तरह से यूनियन में आने की, किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ हमेशा रहने की, हमेशा आपके साथ फ्रेंडशिप रहे, हमेशा आपके साथ किसी तरह से कोलैबोरेशन चलती रहे। बिकॉज ये या तो आपका एंटरप्रेन्योर पार्टनर हो सकता है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है इस पर्सन के साथ, या फिर आपका कहीं ना कहीं करियर है जो इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है। कोलैबोरेशन या तो आपने इनके साथ कभी की थी और अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरह से दोबारा आपसे मीटिंग हो जाए, ताकि इस पर्सन की विश कम ट्रू हो और आपकी अगेन कोई कोलैबोरेशन कनेक्शन हो इनके साथ, बिकॉज हो सकता है आपने इनके साथ कोलैबोरेशन किसी तरह से किया था, बिजनेस के लिए किया था, फोटोशूट में किया था, या फिर किसी तरह की कोई कमर्शियल की थी, कोई ऐड की थी, किसी तरह की कोई प्रमोशन की थी। मे बी आप लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है विद अ स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। या तो आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ब्लॉगर ब्लॉगर, या फिर किसी तरह से हो सकता है आपने पॉडकास्ट करते हो, या फिर ये इंसान खुद पॉडकास्ट करता है डेफिनेटली, और आप लोगों को इस पर्सन ने इनवाइट किया था एज ए इन्फ्लुएंसर। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है और ये दोबारा से आपसे मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं ताकि आपसे किसी तरह से दोबारा से मीटिंग हो जाए। या एंड इस टाइम दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर सम टाइप ऑफ पर्पस, लाइक इसका और आपका मिलना कोई ना कोई पर्पस था। अगर आपकी इनसे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो चुकी है, या तो ये आपका फ्रेंड है जो इस टाइम आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो इंसान आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है डेफिनेटली। वो उनको लगता है कि आपके होने से उनकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आती हैं और वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर चाहते हैं अपना। यस, और कुछ लोगों की मैनिफेस्ट करने की यहाँ पे रीज़न आप लोगों को ये भी है कि उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप जब भी उनके साथ होते हो तो उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक उनकी लक काम करती है। वो आपको देखते हैं कि यू गाइस आर अ वेरी फेटेड पर्सन, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो, आप काफ़ी ज़्यादा काम हो, आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पर्सन हो, या ऐसे दिख रहा है मुझे। तो कोई ना कोई यहाँ पे उनको उनका ओमान बन चुका है ना, गुड ओमान उनका है कि शायद आपके उनकी लाइफ में होने से उनको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है, या फिर उनकी लक काफ़ी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है। बिकॉज काफ़ी हद तक मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों की तरफ से, शायद आप लोगों को ये पर्सन देखता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप इनको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हो, दैट्स वाई। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। हो सकता है ये इंसान खुद काफ़ी ज़्यादा हीलर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, और ये इस टाइम जो भी मैनिफेस्ट करता है वो होता है रियलिटी में, और इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी आपकी आपसे मीटिंग हो जाए। या तो आप किसी तरह के फंक्शन में मिले हो, पार्टी में, वेडिंग में, या फिर किसी तरह की कोई इवेंट में मिले हो आप लोग। ये जो इंसान है ये खुद इवेंट मैनेजर हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट में हो सकता है, किसी तरह से किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। लेकिन ये जो भी है ना गाइस, इस टाइम ये पर्सन किसी ना किसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहा है कि आपसे इसकी मीटिंग हो जाए बस किसी तरह से। या ये एक नेचुरल बोर्न लीडर पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू एंड ये क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, या तो किसी तरह का कोई एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, अदरवाइज़ ये कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटी है। यस, और आपको मैनिफेस्ट करने का एक ये भी रीज़न है, इनको लगता है कि आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फेस करने वाले इंसान हो। ये जो भी इंसान है ना मैनिफेस्ट बहुत बड़ा कर रहा है, लिमिटेड नहीं कर रहा। दिस पर्सन इज सीइंग अ बिग पिक्चर। यस, इसका विजन क्लियर है गाइस कि आपको चाहता है, दैट्स वाई इसकी विश है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स द स्टार दोनों विश फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। यस, या तो इन्होंने इनकी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, ये पर्सन हीलर हो सकता है, साइकिक हो सकता है, लाइट वर्कर, काउंसलर, गाइडर, बट ये आपको अपनी लाइफ में चाहता है एज अ ब्लेसिंग। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली ये जो भी इंसान है गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल, और ये आपको मैनिफेस्ट कर भी इसीलिए कर रहे हैं कि इन्होंने या तो आपके साथ कोई पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस कोई कोलैबोरेशन करनी है, अदरवाइज ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है मुझे, इट्स अ टॉरस फिर कैप्रिकॉर्न एनर्जी। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स बट इट्स केम अप रिवर्स, लिविंग इन द पास्ट, फॉरगिवनेस। ये जो भी इंसान है ये आपके पास से भी कुछ लोगों के है जिसके साथ इस टाइम आपकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहा है किसी तरह से कि आपकी और इनकी यूनियन हो जाए, किसी तरह से आप इनको माफ़ कर दो, बिकॉज राइट नाउ ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांना मेक अ रोमांटिक कनेक्शन विद यू। इट्स अ कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी। नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। जजमेंट, यस दिस इज द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, कुछ लोगों के पास से पर्सन है। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। आपका कपल जो है वो बहुत ही पावरफुल बन सकता है बिकॉज आप दोनों ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बिजनेस पर्सन हो सकते हो। आप भी बिजनेस करते हो, ये भी बिजनेस करते हैं, तो इनको लगता है आप दोनों एक बहुत ही एक सपोर्टिव कनेक्शन बन सकता है आपके साथ। बहुत ही लाइक आप मिल के एक दूसरे के साथ बिजनेस में हेल्प कर सकते हो या फिर आपका करियर, आपकी फील्ड सेम होगी तो आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको मैनिफेस्ट इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट बन सकते हो, आप बहुत ही अच्छे एक लाइफ पार्टनर बन सकते हो। यू गाइज आर वेरी गुड एंड अंडरस्टैंडिंग यू नो पर्सन, और आपके साथ एक एज अ वाइफ या हस्बैंड का कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी भी आ गई है। जजमेंट इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन के एक इंसान दुआएं कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो रिबर्थ। ये आपके पास से, कुछ लोगों के पास से ये पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ताकि आपसे किसी तरह से मीटिंग हो जाए। यस क्योंकि इस टाइम इनकी अंदर जो है ना एक अवेकनिंग चल रही है और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम आप लोगों को याद कर रहे हैं। उनको लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो आप लोग दोनों। आप दोनों कहीं ना आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रही है। यस और अपनी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। दैट्स वाई आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे एक चाइल्डहुड के फ्रेंड भी हो। अब माफ़ी मांगना चाहता है अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया हुआ है, इसीलिए ये पर्सन सोच रहा है मल्टीपल थिंग्स, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ये पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहा है मैनिफेस्टेशन अपनी पूरी करने के लिए। या दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल बाय द वे कनेक्शन, दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन। नंबर 20, नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 23, 28, 27, 26 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी। सेजिटेरियस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। या कुछ लोगों के पास से पर्सन है और कुछ लोगों का बिजनेसमैन है जिसके साथ लाइक बिजनेस कोई पार्टनरशिप है या आपने कभी इनके साथ कोलैबोरेशन किया था। अब ये पर्सन जो है ना मुझे किसी तरह से कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी दिख रहा है या पॉडकास्टिंग करता है, यूट्यूबर हो सकता है, टिकटॉकर हो सकता है, किसी तरह से कोई ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है या फिर किसी तरह से कोई हो सकता है ब्रांड रन करता है। और आपने इस पर्सन के साथ कोलैबोरेशन की थी बट अभी काफ़ी टाइम से ये कर नहीं पाया और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप यू नो इनके साथ कोलैबोरेशन कर लो ताकि इनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। बट आप दोनों ही बिजनेस पर्सन हो दोनों, और बहुत ही प्रैक्टिकल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यस बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइज यहाँ पे। जो भी है यहाँ तो आप किसी कम्युनिटी में मिले हो, किसी फंक्शन में मिले हो, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तब से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी आपसे एक बार मीटिंग हो जाए क्योंकि ये डे ड्रीमिंग बहुत कर रहा है आपको लेकर। यस सो दिस इज योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।